वेलकम टू दिस एपिसोड। इन दिस एपिसोड हम सीखेंगे कि किस तरह हम किसी भी इमेज में हाई पास शार्पनिंग अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी डिटेल्स उस इमेज के अंदर मिल जाती हैं, जिससे कि इमेज ज़्यादा इफेक्टिव भी लगती है और अच्छी भी लगती है। सो हाई पास शार्पनिंग बहुत ही ईजी और फास्टेस्ट वे है कि अपनी इमेज में डिटेल्स को ब्रिंग आउट करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। harshvardhana.com unleash the creative in you। We have opened this image and अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी करनी है। इसकी डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल जे और कमांड जे अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, और उससे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अदरवाइज़ आप इसमें राइट क्लिक कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं डुप्लीकेट लेयर, ओके। एंड उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड प्रेस ओके, तो एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी, ओके। अब आपको क्या करना है, इसका लेयर ब्लेंड मोड चेंज करना है। आप यहाँ पर जाएंगे दिस लेयर ब्लेंड मोड ड्रॉप डाउन मेन्यू पे और इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको चेंज करनी है लीनियर लाइट, ओके। और लीनियर लाइट करते ही आप देख सकते हैं कि इसकी इमेज के कलर थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इमेज बिल्कुल ख़राब हो गई है। बट डोंट वरी, हम इसको फिक्स करने वाले हैं अभी। तो अब हम इस पर अप्लाई करेंगे हाई पास फिल्टर। सो इसके लिए क्या करें, हम जाएंगे फिल्टर एंड सिलेक्ट अदर एंड चूज हाई पास, ओके। और जैसे ही हम ये हाई पास फिल्टर का डायलॉग ओपन होता है, आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज बहुत ही ज़्यादा शार्प हो गई है। तो यहाँ से हम इसका रेडियस चूज कर सकते हैं कि कितना रेडियस हम चाहते हैं अपनी इमेज पे के अप्लाई हो, ओके। तो आप इसमें देख सकते हैं, आप इसको मिनिमम से रखें जहाँ पे आपको इसकी एजेस क्लियरली दिखाई दें, ओके। जैसे कि इस केस में दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपकी इमेज रुइन हो जाएगी। सो ये अंडर 10 और अंडर 5 पिक्सल्स हमेशा अच्छे से वर्क करता है। अगर मैं देखो, अगर 5 भी ले जाता हूँ तो आप देखिए कितनी ज़्यादा शार्पनिंग होगी, जो कि अच्छी नहीं लगती है, जो प्रोफेशनल नहीं लगती है। सो इसलिए कम से कम करेंगे, आई थिंक दिस वन अराउंड 1.4 इज़ गुड। आप इसमें प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, अगर इसको क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, ओके। एंड जब आप उसके बाद सेटिस्फाई हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं ओके, और जैसे ही ओके करेंगे तो हाई पास फिल्टर हमारा अप्लाई हो गया है और हमारी इमेज शार्पन हो गई है। आप इसको ऑफ और ऑन करके देख सकते हैं रिजल्ट। लेट मी शो यू बाय जूमिंग इन। कंट्रोल अगर आप 1 दबाते हैं तो ये जूम हो जाएगी 100%, ओके। और कंट्रोल 0 दबाएंगे तो ये बाकी वापस वहीं पहुंच जाएगी। तो आप देख सकते हैं बाय टर्निंग इट ऑफ एंड ऑन कि इसने कितनी ज़्यादा शार्पनिंग अप्लाई कर दी। और अगर आप चाहते हैं कि ये शार्पनिंग थोड़ी कम हो, ये ज़्यादा हो गई है, तो आप यहाँ से इसकी लेयर की ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ओके। तो आप उतनी कर सकते हैं कि जितनी आप चाहते हैं। अदरवाइज देर इज़ वन मोर ऑप्शन विच इज़ प्रोफेशनली यूज्ड, जो कि यह है कि हम पूरी इमेज पे शार्पनिंग अप्लाई ना कर करके सिर्फ उन्हीं जगह पे लगें शार्पनिंग करें जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आईज, हेयर्स और लिप्स, टीथ, जहाँ पर ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारी इमेज इफ़ेक्टिव लगती है, ओके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये लेयर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेयर मास्क के आइकन पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही एक लेयर मास्क यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जो कि वाइट लेयर मास्क है। और अगर
इसको प्रेस करते वक्त हम ऑल्ट और ऑप्शन को प्रेस कर लें अपने कीबोर्ड पर और फिर हम क्लिक करें तो ये एक ब्लैक मास्क क्रिएट करेगा, जिससे कि क्या होगा कि इससे ये लेयर कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाएगी, ये दिखाई नहीं देगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ये किया तो ये सारी शार्पनिंग गायब हो गई। अगर हम इसको दोबारा चेक करना चाहते हैं, इसको डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट और इस पर क्लिक करेंगे तो ये मास्क डिसेबल हो जाएगा और ये हमारी लेयर दोबारा विजिबल हो जाएगी। ओके, बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो हम अब यहाँ पर ये लेयर सिलेक्ट करेंगे, ये लेयर मास्क सिलेक्ट करेंगे और हम लेंगे एक ब्रश टूल, ओके, जिसमें ओपेसिटी लो रखेंगे, फ्लो को 100% रख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर आप ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर वाइट कलर लेना है, अगर ये आपका कोई और कलर है तो आप डी प्रेस कर सकते हैं ऑन योर कीबोर्ड, जिससे कि ये डिफ़ॉल्ट कलर में हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट कलर में यहाँ पर फोरग्राउंड में वाइट कलर होता है और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर, ओके। तो अब इसको लेके और यहाँ से हम ब्रश चूज़ करेंगे विच इज़ दी सॉफ्टेस्ट ब्रश विद जीरो हार्डनेस, ये देख सकते हैं आप, ओके, एंड लीव एवरीथिंग एज इट इज़ मोर टू नॉर्मल। और इसका साइज़ हम डिक्रीज़ करेंगे, इसका साइज़ हम डिक्रीज़ कर सकते हैं जो कि एक कीबोर्ड शॉर्टकट है, राइट ब्रैकेट और दी लेफ्ट ब्रैकेट। राइट ब्रैकेट अगर हम प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा और लेफ्ट ब्रैकेट करेंगे तो इसका साइज़ डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा वाइट कलर है और हम आइज पर और जहाँ पर हमें ज़्यादा डिटेल चाहिए वहाँ पर हम इसको पेंट करना शुरू कर देंगे, ओके। और अगर आपको ज़्यादा शार्पनिंग चाहिए तो इसको 2 या 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि हमने ओपेसिटी बहुत ही कम ली है। अगर हम पूरी ओपेसिटी लेंगे 100% तो वो सडनली हमें इतनी ज़्यादा डिटेल दे देगा जो कि हमें नहीं चाहिए होती है, ओके। तो आप ये कर सकते हैं, ऑलराइट। आईज में, आयरिश में आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं शार्पनिंग, क्योंकि उससे इमेज ज़्यादा इफेक्टिव लगती है, ओके। और भी अगर इमेज में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पर आप शार्पनिंग चाहते हैं लाइक इन फ्लावर्स, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज करें ब्रश के और वहाँ पर पेंट करना शुरू कर दें। जैसे ये कंप्लीट होगा, हमारी शार्पनिंग अप्लाई हो गई है, तो आप इसको ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं। अगर आप HD में देख रहे हैं तो ये आपको क्लियरली विजिबल होगा, और HD में नहीं है तो हो सकता है कि आपको ना दिखाई दे, ओके। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज अ हाई पास शार्पनिंग फिल्टर और हाई पास शार्पनिंग टेक्निक विच प्रोफेशनल्स यूज ऑन डेली बेसिस। सो थैंक यू सो मच, इफ़ यू लाइक टूडेज एपिसोड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।